सुप्रभातम, नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हमारा पाठ्य विषय है वाल्मीकि विरचित रामायण के अंतर्गत सुंदरकांड में 15वां सर्ग। पूर्व कक्षा में इसको प्रारंभ करते पूर्व इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि के विषय में कुछ विचार विमर्श किया था। आज हम इस सुंदरकांड जिसका अंश है वह रामायण, इस रामायण के बारे में संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहेंगे। विद्यार्थियों, ये रामायण हमारी संस्कृति का एक जीता जागता स्वरूप है, क्योंकि अष्टकाव्य के रूप में जो रामायण और महाभारत, ये जो दोनों उपजीव्य ग्रंथ हैं, जितने भी आगे संस्कृत हो, चाहे अन्य भाषा हिंदी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगाली हो, जितने भी हमारे साहित्य रचे गए हैं, इन सब का उपजीव्य हैं ये दोनों, और ये दोनों आधार स्तंभ है भारतीय संस्कृति के समस्त तत्वों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ है, सरल रूप से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ है। और कल भी मैंने बताया था कि हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक दर्शन और लौकिक जीवन दर्शन को जोड़ने की एक कड़ी है रामायण और महाभारत। ये जो रामायण है ये श्री रामचंद्र जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनके चरित्र का प्रमुख रूप से चित्रण किया गया है। सात कांडों में तो सात कांडों में 24,000 श्लोकों का ये महाकाव्य है, आदिकाव्य है। इसलिए चतुर्विंशति सहस्त्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। विद्वानों का ये भी समीक्षण है कि ये रामायण के जो 24,000 श्लोक हैं, 24,000 में से प्रत्येक हजार के पहला पद्य जो है वो गायत्री मंत्र के पहले वर्ण से, एक एक वर्ण से प्रारंभ होता है। तो इस दृष्टि से इस रामायण की अत्यंत महत्ता है। रामायण में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थों का संग पंग विवेचन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आदर्श प्रेम का चित्रण है। यहाँ पिता पुत्र के संबंध, माता पुत्र के संबंध, भाई भाई के संबंध, पति और पत्नी का जो संबंध है, दाम्पत्य प्रेम है, बिल्कुल रामचंद्र और सीता के जो दाम्पत्य चित्रण है उसका चित्रण किया गया है। एक तरफ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को ऐश्वरिक सत्ता का एक अंश माना गया है, वहीं लौकिक पुरुष के रूप में भी उनका चरित्र चित्रण किया गया है। तभी तो रामायण एक महनीय ग्रंथ है और आदर्श ग्रंथ है, कालज ग्रंथ है। इसलिए कहा गया है कि यावस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले,
तावत् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती है, लोकमानस में रामायण का जो प्रतिपाद्य है, विषय है, वो छाया हुआ है, लोगों के अंतःकरण को, हृदय को द्रवीभूत करने वाला। और इस बात का प्रमाण भी हमें बहुत पहले मिलता है, क्योंकि रामायण की जब शुरुआत हुई, क्योंकि वो एक अंतःकरण के द्रवीभूत चेतना से हुई है। जो दंत कथा मैंने सुनाई थी, उस दंत कथा का आधार पर अगर देखें, जो कि कहा गया, मान विषाद प्रतिष्ठान तमगम शाश्वती समा यक्रंच मिथुनादेक मवती काम होत, जो तमसा नदी के तट पर क्रंच दंद के जो कामाशक्ति की अवस्था के समय, तो उन क्रंच पक्षी को व्याध के द्वारा मारा जाना और क्रंच का विलाप होना, और उस विलाप से महर्षि वाल्मीकि का चेत अंतकरण द्रवीभूत होना और छंदोमयी पाणी का निस्सरण होना, और उससे इस काव्य की प्रस्तुति होना। ये जो करुणामयी मणि, कारुण्य रस प्रदान, इसको कहते हैं कारुण्य रस प्रदान। इसीलिए कारुण्य रस जो है, भगवती ने उत्तर रामचरित में भी बहुत बढ़िया इसका विवेचन किया, क्योंकि वो कहते हैं एक ही रस है जो करुण रस है, और सारे उसके विवर्तमान स्वरूप के रूप में अनेक रस आ जाते हैं, लेकिन करुण रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। क्योंकि करुण रस जो है वो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को निखारता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक अद्भुत पहचान देता है, ये भवभूति का कहना है। और वही प्रमाण हमें यहाँ मिलता है कि श्लोक के माध्यम से, कि जिससे कि रामायण की निस्तृति हुई, ब्रह्मा जी ने फिर उनको उपदेश दिया, कहा, आदेश दिया वाल्मीकि जी से कि आप राम चरित्र को आधार करके रामायण की रचना करेंगे। तो इस का प्रमाण हमें आगे जाकर नई शताब्दी के जो धुन्यालोककार आनंद वर्धन, वह भी इस बात को कहते हैं कि काव्य सात्मा सैवार्थ तथा चादि कवि पुरा क्रोंच दंदह वियोगतः शोक श्लोकत्व आगत। जो हमारे नौ रस है आचार्य मम्मट के अनुसार, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि के अनुसार जो आठ रस है, या काव्य प्रकाशकार मम्मट के अनुसार नौ रस है, उनमें से अन्यतम जो करुण रस है, उस करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक है, वो शोक की स्थायी भावत्व में करुण रस की परिपुष्टि, और वह इस काव्य की आत्मा है, ये ध्वन्यालोककार कहते हैं। जैसा कि क्रुंच दंद वियोगत्ता शोक श्लोकत्व आगत, इससे भी प्रमाणित हो जाता है ये आदि काव्यत्व, आदि कवित्व और करुण रस प्राधान्य इस काव्य की महत्ता का। क्योंकि रामचंद्र भी, उनका जो चरित्र चित्रण है, तो उसमें करुण रस की इस प्रधानता कि शुरू से ही आप देख लीजिए, बालकांड के बाद जब शुरू होता अरण्यकांड, वहाँ जब रामचंद्र से वियोग होता दशरथ जी का, और दशरथ विलाप करके पुत्र शोक में ही मृत्यु को ग्रहण करते, फिर जंगल में अरण्यकांड में जब रावण के द्वारा सीता का अपहरण किया जाता, तब राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो अंतकरण, वो भी कितना द्रवीभूत हुआ, करुण प्रधान हो जाता है, उसका भी चित्रण है। और फिर अंत में जा करके उत्तराकांड तक भी जब सीता धरती में समा जाती है, तो इस प्रकार आद्यंतोपात शुरू से लेकर के अंत तक आद्यंतोपात, ये करुण रस का अप्लावन है, और इसीलिए इसको करुण रस प्रधान काव्य माना जाता है, महाकाव्य है, एपिक्स माना जाता है, महाकाव्य कह सकते हैं इसको। महाकाव्य तो इसकी लिए तुच्छ शब्द है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा महाकाव्य कह सकते हैं रामायण को। और इस रामायण के जो आठ कांडों में से अन्यतम कांड है, पांचवा कांड जो है वह है सुंदर कांड, अत्यंत सुंदर
चित्रण किया गया है इसमें, क्योंकि इसमें प्राकृतिक सौंदर्यों का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। और विशेष रूप से सुंदरकांड में जो है कि हनुमान जी वो प्रसंग थोड़ा बता ही देते हैं, जब हनुमान जी को दूत बनाकर बा दूत क्या उनको अन्वेषण के लिए अन्वेष्टा बनाकर भेजते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, वो समुद्र को पार करके जब लंका में पहुँचते हैं वहाँ अनेक जगह वो अन्वेषण करते हैं सीता मैया का और कहीं उनको मिलता नहीं। सब जगह घूमने के बाद राक्षसों को देखा, प्रसादों को देखा, महलों को देखा, फिर अंत में जा करके अशोक वाटिका में वो पहुँचते हैं और अशोक वृक्ष पर बैठ करके वह सीता जी को अन्वेषण करते हैं कि जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनको बताया था कि सीता दर्शन करने के लिए ऐसा ही है, क्योंकि सीता मैया को हनुमान जी ने पूर्व में नहीं देखा था और वे अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर बैठकर देखते हैं। जब उस अशोक वाटिका का वर्णन और सीता मैया का वर्णन इसमें किया गया है, अत्यंत प्राकृतिक की रमणीयता से भरपूर ये 15वां सर्ग है। तो इसमें धरती अशोक वाटिका की जो धरती है, अशोक वाटिका का वर्णन सबसे पहले किया गया है, कवि ने किया है। या हनुमान जी जब देखते हैं अशोक वाटिका को वो कैसा है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। पहला पद्य है, सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीं अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तामनुवक्षता। अनुष्टुप छंद का है, श्लोके षष्ठम गुरु गीयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यः। इस लक्षण के अनुसार यहाँ अनुष्टुप छंद का लक्षण लक्षित हो रहा है और इन अनुष्टुप छंद में ये 15वां सर्ग निबद्ध है, परंतु गागर में सागर जैसे भरा हुआ तत्व है। अब देखिए संधि विच्छेद, उसके पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। विक्षमाण धन तत्रस्थ, विक्षमाणस्तत्रस्थ, मार्गमाण दंच मार्गमाणश्च, अवेक्षमाण दंच अवेक्षमाणश्च, ताम धन अनु धन अवेक्षत अव धन इक्षत, ये भी कह सकते अवेक्षत ताम अनुवेक्षत। बोले अन्वय सह हनुमान भिक्षमाणः तत्रस्थः मार्गमाणः च मैथिलीम् अवेक्षमाणः च सर्वां ताम् अन्वेक्षत। सः अन्वेक्षत, सः हनुमान पवनसुतः हनुमान ताम् मन उस अशोक वाटिका की धरती को, उस पृथ्वी को अन्वेक्षतः अनु अवेक्षतः दृष्टिपात किया व उसको देखा। अनुपसर्ग अव उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से आत्मनिपदि प्रथम पुरुष एक वचन में अनुवेक्षता, दर्शन किया, देखा, ढूंढा। किसको देखा? धरती को देखा, अशोक वाटिका को देखा, अशोक वाटिका की धरती को देखा। अशोक वाटिका कैसे दिखाई दे रही थी ये देखा। तो इसके लिए उनके विशेषण प्रयोग किया गया है, किसके लिए? हनुमान जी के लिए। कैसा हनुमान जी? न सह भिक्षमाण, सह देखता हुआ, भिक्षमाण भिक्ष धातु से सानच प्रत्यय, भिक्षमाण मार्गमाण मार्ग से सानच प्रत्यय मार्गमाण, अवेक्षमाण अवेक्ष से सानच प्रत्यय अवेक्षमाण, सानच प्रत्ययों का प्रयोग किया गया। देखता हुआ भिक्षमाण, देखता हुआ तत्रस्थ महा देखता हुआ वो मार्गमाण, किसको ढूंढता हुआ अन्वेषण करता हुआ, किसका? मैथिलीम मिथिला नरेश की जो पुत्री मिथिलाया अपत्यम स्त्री मैथिली मिथिला नंदिनी मिथिला राज मिथिलेश की माने जनक जनक राज की जो सुता हैं जनक नंदिनी सीता को उन्होंने क्या किया? मैथिलीम च अवेक्षमाणा देखते हुए, चारों ओर देखते हुए, अब उपसर्ग लग जाने से कि चारों ओर देखते हुए भिक्षमाण देख रहे थे, देखते हुए और फिर चारों ओर देखते हुए कहाँ सीता मैया बैठी होगी। अवेक्षमाण च वह मार्गमाण ढूंढते हुए,
कि कहाँ है, और चारों ओर देखते हुए सर्वाम ताम अनुवेक्षता, सर्वम सकलाम ताम समस्त उस धरती को, उस अशोक वाटिका को उन्होंने अनुवेक्षता देखा। प्रस्तुत पद्य में चार अष्टुप छंद है, और यहाँ देखिए वर्ण की समानता, क्योंकि वर्ण की समानता जो की गई है वहाँ, उसकी दृष्टि से वर्णों के उच्चारण में समानता के कारण, बार बार वही उच्चारण होने के कारण अनुप्रास अलंकार, देखिए वीक्षमाण मार्ग माण 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 वीक्षमाण क्ष अन्वेक्षत क्ष भी है, और क्ष 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 ण ण ण म म म, ये जो है वर्ण की वर्ण समूह की समानता और ही उच्चारण में अनुप्रास है, क्योंकि वर्ण साम्यम अनुप्रास, स्वर की समानता हो नहीं हो कोई जरूर नहीं है, लेकिन व्यंजन वर्णों की जहाँ समानता के कारण बार बार उच्चारित हो रहा हो तो वहाँ अनुप्रास नामक अलंकार होता है। इसके अनुसार यह अनुप्रास अलंकार है और अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज यही हम इसको विराम देते हैं व्याख्यान को, कल पुनः इस पाठ को, अध्ययन को हम जारी रखेंगे द्वितीय पद्य से। धन्यवाद।